Hello everyone, good morning friends. Welcome to Exams Maniac. और आज हम बात करेंगे स्टेट वाइज जीके मास्टर कंपाइलेशन फॉर द स्टेट अरुणाचल प्रदेश स्पेशल. ओके, और इसको हम कहते हैं ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया. वी ऑल्सो कॉल इट पैराडाइज ऑफ द बोटैनिस्ट. ओके, अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आता है, हम सबको पता है, इसके बारे में हम सब जानकारी आज देखेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिस्टिक फैक्ट्स ऑफ अ स्टेट, ये हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे. ओके, दिस इज द मैप ऑफ अरुणाचल प्रदेश. आप देख सकते हैं ये एक हिमालयन स्टेट है. ओके, और इसके आसपास यहाँ पे आसाम है, फिर नागालैंड है, और ये दो स्टेट इसको बॉर्डर करते हैं, दो इंडियन स्टेट. ओके, एंड जो नेबरिंग कंट्री है वो एक भूटान है, फिर चाइना है नॉर्थ में, एंड देन वी हैव म्यांमार ईस्ट में. ऑलराइट, ओके, तो ये पूरा मैप है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं. इट्स अ वेरी कलरफुल मैप. ओके, इंट्रोडक्शन. अरुणाचल प्रदेश इज नोन एज लैंड ऑफ डॉन लिट माउंटेन्स. ओके, इज द नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया. बॉर्डर स्टेट्स मैंने बताया आपको, इंडिया के जो स्टेट्स हैं आसाम एंड नागालैंड है. ओके, और बॉर्डर कंट्रीज भूटान वेस्ट में है और म्यांमार ईस्ट में है, एंड चाइना के साथ इसका जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड है. ओके, एंड दैट लाइन, बॉर्डर लाइन इज कॉल्ड एज मैकमोहन लाइन. ओके, याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है ये काफ़ी बार. इसका कैपिटल इटानगर. ओके, और इसकी खास बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है ये. सेवन सिस्टर्स है ना नॉर्थ ईस्ट में, तो उन सातों में से सबसे बड़ा है अरुणाचल प्रदेश. ओके, एंड इसमें डिस्प्यूट ये है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना ताइवान, ये दोनों स्टेट, ये दोनों जो कंट्रीज हैं, ओके, अरुणाचल प्रदेश का एक बड़ा पार्ट ये लोग क्लेम करते हैं. ओके, इसीलिए कुछ हमारे वॉर भी हुए हैं चाइना के साथ में, वो हमें ऑलरेडी पता है. ओके, लेट्स सी बेसिक फैक्ट्स. स्टेटहुड 20th February 1987. कैपिटल इटानगर. लार्जेस्ट सिटी अगेन इटानगर एंड डिस्ट्रिक्ट 25. ओके, लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स एंड होम टू ऑर्चिड्स. ऑर्चिड्स आपको पता होगा, एक अलग अलग तरह का फूलों का झाड़ है जो काफ़ी खूबसूरत होता है, तो इसे ऑर्चिड्स कहते हैं. ओके, सेंसस 2011 में अरुणाचल प्रदेश का जो पॉपुलेशन था वो 13,82,611, और इसका जो साइज है 83,743 स्क्वायर किलोमीटर्स. ओके, एथनिकली बहुत डाइवर्स स्टेट है, और यहाँ पे मोनपा रहते हैं, तानी रहते हैं और ताई रहते हैं, नागा भी बहुत सारे लोग रहते हैं. ये सारे जो ट्राइब्स हैं यहाँ पे रहते हैं. ओके, सो एरिया वाइज एपी, अरुणाचल प्रदेश इज 14th स्टेट. ओके, रैंक इज 27th, डेंसिटी 17 पर स्क्वायर किलोमीटर, टाइम जोन अगेन इट्स IST में आता है. ठीक है, HDI में डिफरेंस आया है 0.617. ओके, एंड HDI का रैंक 18th रैंक आया है 2005 के रिपोर्ट में, और लिटरेसी इज 66.95%. एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज इंग्लिश. ओके, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखना है कि ये एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई इंडियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज इज ऑफिशियल लैंग्वेज, और बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते भी हैं वहाँ पे, बहुत फ्लुएंट. ओके, ओके, सिम्बॉल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश. मैमल, ये मैमल है. ओके, इसको कहते हैं बॉस फ्रंटालिस. ओके, एंड देन द ट्री, दिस ट्री जो लंबे लंबे जिसके जो शाखाएं दिख रही हैं आपको, हॉलोंग कहते हैं इसको, एंड दिस बर्ड, ये जो कलरफुल बर्ड देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं हॉर्नबिल.
और ये जो हम मैं ऑर्चिड की बात कर रहा था, ये एक ऑर्चिड प्लांट है, ओके, इट्स कॉल्ड एज फॉक्सटेल ऑर्चिड, ओके। तो दिस इज अबाउट द सिंबल्स, ओके, वेरियस सिंबल्स यूज्ड फॉर अरुणाचल प्रदेश, ओके। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, देर आर 25 डिस्ट्रिक्ट्स एज डिस्कस्ड, ओके। लोहित, अंजाव, चांगलांग, टीराप, लोअर दिबांग, वैली डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट, नामसाई डिस्ट्रिक्ट, सियांग डिस्ट्रिक्ट, लॉन्डिंग डिस्ट्रिक्ट, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट, कमेंग डिस्ट्रिक्ट, ईस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट, पपुम पेयर डिस्ट्रिक्ट, और ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और ये ऐसे इसको कलरफुल मैप दिया है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, अबाउट द ज्योग्राफी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश इज लोकेटेड बिटवीन 26.28 डिग्री नॉर्थ एंड 29.30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ओके, एंड 91.20 ईस्ट डिग्री ईस्ट एंड 97.30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। एरिया हमने पहले देख लिया, 83,743 स्क्वायर किलोमीटर्स। हाईएस्ट पीक जो अरुणाचल प्रदेश का है, इट इज कॉल्ड एज कैंगटो, 7,060 मीटर्स, ओके, एंड नेगी केनसांग, ओके, एंड ईस्टर्न गोरीचन पीक आर द अदर टॉल हिमालयन पीक्स। द स्टेट्स माउंटेन रेंजेस इन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ इंडिया आर डिस्क्राइब्ड एज द प्लेस वेयर द सन राइजेस, ओके, इन हिस्टोरिकल इंडियन टेक्स्ट, एंड नेम्ड द अरुणा माउंटेन्स विच इंस्पायर्ड द नेम ऑफ द स्टेट, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, द प्लेस वेयर द सन राइजेस। द विलेजेस ऑफ डोंग, ओके, एंड विजयनगर रिसीव द फर्स्ट सनलाइट इन ऑल ऑफ इंडिया, ओके, क्योंकि ये ईस्ट साइड में है तो सबसे पहले ऑफ कोर्स सनलाइट इन्हीं को मिलेगी। तो ये दो विलेजेस हैं जो तो आपको याद रखना है, विलेजेस ऑफ डोंग एंड विजयनगर, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में है। इन दोनों विलेजेस में पहला सनलाइट आता है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। मेजर रिवर्स जो है, कमेंग, सुबनसिरी, सियांग, सियांग इज ब्रह्मपुत्र रिवर, दिबांग, लोहित एंड नाउ दिहिंग, ओके, ये मेजर रिवर्स हैं। सब सरफेस फ्लोज एंड समर स्नो मेल्ट कंट्रीब्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ओके, एंड माउंटेन्स अंटिल द सियांग रिवर आर क्लासिफाइड एज द ईस्टर्न हिमालयस, दोज बिटवीन द सियांग एंड नाउ दिहिंग आर क्लासिफाइड एज द मिशमी हिल्स, दैट मे बी पार्ट ऑफ द हैंगडुआंग माउंटेन्स। माउंटेन्स साउथ ऑफ द नोआ दिहिंग इन तिराप एंड लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट आर पार्ट ऑफ द पटकाई रेंज। नाउ द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसको हम देख लेते हैं। लेट अस सी, अरुणाचल प्रदेश हैज अमंग द हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ मैमल्स एंड बर्ड्स इन इंडिया, 750 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स एंड मोर देन 200 स्पीशीज। इन ईयर 2000 अरुणाचल प्रदेश वॉज कवर्ड विद 63,093 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ ट्री कवर, मतलब 77% ऑफ इस टोटल लैंड एरिया वॉज कवर्ड अंडर ट्रीज, ओके, एंड अरुणाचल प्रदेश अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ हैबिटेट एरिया अंडर द विद द हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सो इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ओके, हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में अरुणाचल प्रदेश का काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स ओवर हियर। इट हार्बर्स अराउंड ओवर 5,000 प्लांट्स, 85 टेरेस्ट्रियल मैमल्स, ओवर 500 बर्ड्स एंड मनी मेनी बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स, ओके। एट द लोएस्ट एलिवेशन एसेंशियली एट अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर विद असम आर ब्रह्मपुत्र वैली सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। टूवर्ड द नॉर्दर्न बॉर्डर विद तिब्बत विद इंक्रीजिंग एलिवेशन कम अ मिक्सचर ऑफ ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयन सुबलपाइन कॉनिफर फॉरेस्ट फॉलोड बाय ईस्टर्न हिमालयन अल्पाइन श्रब एंड मीडोज एंड अल्टीमेटली रॉक एंड आइस ऑन द हाइएस्ट पीक्स। इट सपोर्ट्स मैनी मेडिसिनल प्लांट्स एंड विद इन जीरो वैली ऑफ लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट 158 मेडिसिनल प्लांट्स आर बींग यूज बाई इट्स इनहेबिटेंट्स। द माउंटेन स्लोप्स आर हिल्स एंड हिल्स आर कवर्ड विद अल्पाइन टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ ड्वार्फ रोडोडेंड्रॉन ओक पाइन मेपल एंड फर, ओके। द स्टेट हैज मॉलिंग एंड नमदापा नेशनल पार्क्स, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोडाइवर्सिटी।
Okay, now wildlife sanctuaries and national parks. Pakhui Wildlife Sanctuary, Kane Wildlife Sanctuary, Eagle Nest Wildlife Sanctuary, Mauling National Park, Mehow Wildlife Sanctuary, Dibang Wildlife Sanctuary, Itanagar Wildlife Sanctuary, Kamlang Wildlife Sanctuary, Sesa Orchid Wildlife Sanctuary, Tail Valley Wildlife Sanctuary and Yordi Rabe Supsi Wildlife Sanctuary. So mostly बहुत सारे wildlife sanctuaries and national parks अरुणाचल प्रदेश में है. जैसे मैंने बताया कि 77% ऑफ द स्टेट इज अंडर वॉज अंडर द ट्री कवर. ओके, सो इट्स अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सो यू हैव अ लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. क्लाइमेट, ओके, द क्लाइमेट रेंजेस फ्रॉम सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट डिपेंडिंग अपॉन द ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट. ओके, तो डिपेंडिंग ऑन द हाइट द क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल भी हो सकती है, टेम्परेट भी हो सकती है. ओके, द रीजन इन द लोअर बेल्ट ऑफ द स्टेट एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स विद मैक्सिमम टेम्परेचर इन द फोर्ट हिल्स रीचिंग अप टू 40 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द समर. ओके, एंड क्लाइमेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वेरीज विथ एलिवेशन. ओके, द लो ऑल्टीट्यूड एरियाज हैव अ ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट. द हाई ऑल्टीट्यूड एंड वेरी हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज दैट इज बिटवीन 3,500 टू 5,500 मीटर्स हैव अ सब ट्रॉपिकल हाईलैंड क्लाइमेट एंड अल्पाइन क्लाइमेट. अरुणाचल प्रदेश रिसीव्स 2,000 टू 5,000 मिलीमीटर्स ऑफ रेनफॉल एनुअली. 70 to 80% ऑब्टेन बिटवीन मे एंड अक्टूबर. ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. लैंग्वेजेस, ओके, सो द स्पीकर्स ऑफ मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द स्टेट आर निशी 28.60%, टागिन एंड अपटनी, आदि, बंगाली, हिंदी 7.09%, असामीज 3.9%, नॉक्टे, वैंचो 2.19% एंड अदर्स. टू द वेस्ट एंड द नॉर्थ ऑफ द तनी एरिया आर फाउंड एट लीस्ट वन एंड पॉसिबली एज मेनी एज फोर बॉर्डिक लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग डाकपा एंड शांगला लैंग्वेज. ओके, रिलीजन, ओके, रिलीजन इसमें सबसे बड़ा जो है चंक है दैट इज अबाउट द क्रिश्चियन. ओके, 30.26% एंड इनका पॉपुलेशन है 4,18,732. इतने लोग क्रिश्चियन लैंग्वेज फॉलो करते हैं. ओके, सेकेंड लैंग्वेज इज हिंदू 29.04%. थर्ड लैंग्वेज इज बुद्धिस्ट. ओके, मुस्लिम इज द फोर्थ लैंग्वेज ओवर हियर. ओके, तो यहाँ पे एक वेरिएशन है. जनरली मुस्लिम सेकेंड लैंग्वेज होता है, फर्स्ट हिंदू होता है और थर्ड क्रिश्चियन होता है. बट यहाँ पे पहले क्रिश्चियन है, सेकेंड हिंदू है और थर्ड बुद्धिस्ट है. बुद्धिस्ट में 11.76% है. देन कम्स मुस्लिम 1.9%. ओके, सिख लोग भी हैं 0.1% एंड जैन लेस देन 0.1%. इनकी गिनती है सिर्फ 216. ओके, मोस्टली द रेजिडेंट्स ऑफ अरुणाचल फॉलो देयर ओन इंडिजीनियस रिलीजन्स विच आर हाईली इंक्लाइंड टुवर्ड्स नेचर. टिबेटन बुद्धिज्म इज द डोमिनेंट रिलीजन इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट कमेंग, तवांग एंड रीजन्स एडजेसेंट टू टिबेट नियर द बर्मीज बॉर्डर. थेरावाडा बुद्धिज्म इज द सेंट्रल फेथ. थेरावाडा बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म में कौन सा जो ब्रांच वो लोग फॉलो करते हैं? थेरावाडा. ओके, बुद्धिज्म में महायाना भी एक होता है. ओके, वो यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, थेरावाडा फॉलो होता है, सेंट्रल फेथ. ओके, टेम्पल्स एंड चर्चेस. लेटुमक्रा प्रेसबाइटेरियन चर्च इज वन ऑफ द बिगेस्ट चर्चेज इन द सिटी दैट इज लोकेटेड इन द ईस्ट खासी हिल्स सराउंडेड इन अनमैच नेचुरल ब्यूटी. तवांग मोनास्ट्री, इट्स अ बुद्धिस्ट टेम्पल तवांग अरुणाचल प्रदेश. बोमडिला मोनास्ट्री, मलिनी थान, आकाशी गंगा टेम्पल. तो ज़्यादातर मोनास्ट्रीज हैं यहाँ पे, क्योंकि बुद्धिज्म बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं. चर्च हैं, फिर टेम्पल हैं. ओके, देन अर्गेलिंग मोनास्ट्री, शिवलिंगा एट कार्डो हिल्स, तवांग मोनास्ट्री, परशुराम कुंड, मलिनी थान, बोमडिला मोनास्ट्री, लोअर गोम्पा, अपर गोम्पा, गोल्डन पगोड़ा टेम्पल. गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, लेजिस्लेचर इज यूनिकमरल
मतलब यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है. इन इंग्लिश वी कॉल इट लेजिस्लेटिव असेंबली. वी डोंट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दिस. ओके, एंड देर आर 60 सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. राज्यसभा के सिर्फ एक ही सीट है, लोकसभा के दो सीट है. हाईकोर्ट ये लोग गुवाहाटी का हाईकोर्ट यूज करते हैं. गुवाहाटी जो आसाम में है वो हाईकोर्ट ये लोग यूज करते हैं. ओके, इकोनॉमी मोस्टली सर्विसेज इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पे. 38% है जीडीपी का. ओके, एंड जीएसडीपी स्टेट का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ओके, देन कम्स इंडस्ट्री अगेन. इंडस्ट्री विच इज अगेन 38%, एंड देन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग 24%. ओके, ऑलराइट. इसका जो स्टेट का जो जीडीपी था 2018-19 में 293.51 लाख करोड़, और 1920 में 280.52 लाख करोड़. तो इनका जो इंक्रीज हुआ है जीएसडीपी में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 12.33% हुआ है बिटवीन 2011-12 टू 2019-20. एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन. एग्रीकल्चर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन अरुणाचल प्रदेश. जूम कल्टीवेशन. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है. जूमिंग इन्वॉल्व्स क्लीनिंग अ पोर्शन ऑफ द फॉरेस्ट बाय कटिंग डाउन एंड बर्निंग द ट्रीज एंड देन सोइंग सीड्स ऑन दोज एरियाज विद द हेल्प ऑफ पोका. ओके, एंड पूरा डेंस फॉरेस्ट है इस पूरे मेजोरिटी ऑफ द स्टेट में. और दिस फॉरेस्ट प्रोवाइड द प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग देम विच गिव्स एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम टू अ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन द स्टेट आर बेस्ड ऑन नेचुरल प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट लाइक टिम्बर एंड प्लाईवुड. अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड टी, पेट्रोकेमिकल एंड सीमेंट. फ्रूट कल्टिवेशन इज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन सम पार्ट्स ऑफ अरुणाचल. ओके, फ्रूट कल्टिवेशन एंड हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. ओके, बहुत सारे फार्मर्स को बहुत अच्छा इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं. ओके, राइस, मेज, मिलेट, वीट, पल्सेस, शुगर केन, जिंजर एंड ऑयल सीड्स, ये इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं. ओके, अरुणाचल इज ऑल्सो आइडियल फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट ऑर्चिड्स. इट्स मेजर इंडस्ट्रीज आर राइस मिल्स, फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स एंड हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स. सॉ मिल्स एंड प्लाईवुड ट्रेड्स आर प्रोविडेड अंडर लॉ. देर आर मेनी सॉ मिल्स इन अरुणाचल प्रदेश. इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल हाईवे, पोर्ट्स एंड एयरपोर्ट्स. ईटानगर एयरपोर्ट इट्स अ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट. ओके, इज बिंग बींग प्लान्ड एट हलोंगी. ओके, 6.5 बिलियन रुपीज का ये प्रोजेक्ट है, इसको प्लान कर रहे हैं ईटानगर एयरपोर्ट. अलायंस एयर ऑपरेट्स द ओनली शेड्यूल फ्लाइट्स टू द स्टेट फ्लाइंग फ्रॉम कोलकाता वाया गुवाहाटी टू पसीघाट एयरपोर्ट. ओके, ये पसीघाट एयरपोर्ट का जो रूट है ये 2018 मई में कमेंस हुआ था. ओके, अंडर द उड़ान स्कीम. ठीक है, स्टेट ओन्ड दपोरिजो एयरपोर्ट, जीरो एयरपोर्ट, अलोंग एयरपोर्ट एंड तेजो एयरपोर्ट आर स्मॉल बट नॉट इन ऑपरेशन. ठीक है, रोड्स. द रोड फ्रॉम तिनसुकिया टू परशुराम कुंड. द मेन हाईवे ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज द ट्रांस अरुणाचल हाईवे, नेशनल हाईवे 13. It originates in Tawang and spans most of the width of Arunachal Pradesh, then crosses south into Assam and ends in Wakro. The project was announced by then Prime Minister Manmohan Singh in 2008 for completion, but 2015-16 abhi tak complete nahi hua hai. Okay, National Highway 15 through Assam follows the southern border of Arunachal Pradesh. Access to central Arunachal Pradesh has been facilitated by the Bogi Beel Bridge, an earthquake resistant rail. ये जो बोगी बील ब्रिज है काफी फेमस है. अर्थवे रेसिस्टेंट रेल एंड रोड ब्रिज ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम. वन पब्लिक यूज ऑन 25 दिसंबर 2018 बाय नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर. ओके, रेलवे. अरुणाचल प्रदेश गॉट इट्स फर्स्ट रेलवे लाइन इन लेट 2013 विद द ओपनिंग ऑफ द न्यू लिंक लाइन फ्रॉम हरमोटी ऑन द मेन रंगपरा नॉर्थ मुरकोंग सलेक रेलवे लाइन टू Narhang Nahar Lagoon in Arunachal Pradesh. The construction of 33 kilometer
Broad gauge railway line was completed in 2012, and the link became operational after the gauge conversion of the main line from Assam. The state capital Itanagar was added to the Indian Railway map on 12 April 2014 via newly built 20 km Harmuti Naharlagun railway line. The train from Dekargaon in Assam reached Naharlagun railway station. 10 kilometers from the center of Itanagar, a total distance of 181 kilometers. 2014 में इतनगर ऐड हो गया था इंडिया के रेलवे मैप पर. पावर प्लांट्स दिबांग डैम, विक्रोंग पावर हाउस, रंगा नदी डैम, अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं अरुणाचल प्रदेश के. कल्चर, फोक डांसेस, फेस्टिवल्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. फोक डांसेस कौन से आते हैं काफी बार पूछे जाते हैं, तो छालो, हिरी खनिंग, पोपेर पनु, ओके, पासी खोंकी, रेखाम पाड़ा, रोपी, लायन एंड पीकॉक डांस, भुया, वांचो, बार्डो, चाम, अजी लामू. फेस्टिवल्स, लोसार फेस्टिवल, रे फेस्टिवल, चोकोर फेस्टिवल, टोरगिया फेस्टिवल, मोपिन फेस्टिवल, तलमाडो फेस्टिवल, खान फेस्टिवल, संखेन फेस्टिवल, सागा दावा, दुखपा टिशेशी फेस्टिवल, ओजियाले फेस्टिवल, जोमो मोनपा, सोलोंग, म्योको अपतानी, बोरी बूट, हेली मिरिस, सीडोनी तागिन, न्योकोम निशी. ये आपको याद रखना है, ओके. थोड़े इमेजेस भी है वो भी देख लीजिए. दिस इज कॉल्ड तमिलनाडु फेस्टिवल. जीआई टैक्स, अरुणाचल ऑरेंज को जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है. जीआई टैग मतलब आपको पता होगा कि अरुणाचल ऑरेंज अरुणाचल की एक स्पेशलिटी बन चुकी है, तो वो वाले ऑरेंज को दूसरा कोई स्टेट क्लेम नहीं कर सकता कि वो उनके स्टेट पे बनता है. सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑरेंज कॉल्ड अरुणाचल ऑरेंज, इसको जीआई टैग मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ओके. सो यू शुड नो दिस. आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड म्यूजियम्स, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन स्किल्स है इन लोगों के पास, अरुणाचल प्रदेश के लोगों के पास. लोकल मैन वीविंग करते हैं, कारपेट मेकिंग करते हैं, वुड कार्विंग करते हैं, पेंटिंग, पॉटरी, ऑर्नामेंट मेकिंग, केन एंड बैम्बू वर्क, स्मिथी वर्क, बास्केटरी एंड मेनी अदर्स. ओके, देर आर सम म्यूजियम्स, जवाहरलाल नेहरू स्टेट म्यूजियम, हैंडीक्राफ्ट सेंटर, म्यूजियम्स इन तवांग, क्राफ्ट सेंटर एंड एथनोग्राफिक म्यूजियम, मिया म्यूजियम, कौन सा म्यूजियम, आपको ये पता होना चाहिए. कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, द स्टेट गवर्नमेंट इज एक्सपांडिंग द रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम विद द असिस्टेंस ऑफ एनजीओज लाइक विवेकानंद केंद्र, लीडिंग टू अ शार्प इम्प्रूवमेंट इन द स्टेट्स लिटरेसी रेट. द मेन यूनिवर्सिटीज, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अर्लियर कॉल्ड एज अरुणाचल यूनिवर्सिटी, ओके. इस यूनिवर्सिटी के अंडर में 36 इंस्टीट्यूशन आते हैं ऑफरिंग रेगुलर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एज वेल एज टीचर एजुकेशन इन हेल्थ साइंसेज, नर्सिंग, ओके. Then you have Indira Gandhi Technological and Medical Science University and Himalayan University as well. First college, Jawaharlal Nehru College, Pasighat, 1964 mein aaya tha. First Technical University, 2014 mein aaya, Northeast Frontier Technical University. Jawaharlal Nehru College, Pasighat, Grade A, St. Claret College, 0 Grade A, Indira Gandhi Government College, Tezu, Grade B++, Rajiv Gandhi, Grade B, National Institute of Technology, Arunachal Pradesh, Grade B. This is called NIT. NIT मतलब काफी important होता है engineering के लिए. Okay, Dehradun Government College, Itanagar Grade B, Government College Bomdila Grade B, Dhoni Polo Government College, Kamki Grade B and Rang Phra Government College. Okay, so these are very important from exam point of view. Languages spoken, one of the most linguistically diverse states in Asia, more than 50 dialects of the Tibeto-Burman language structure can be observed here. Nishi, Apatani, Bokar, Galo, Tagin, Adi. Adi are common languages which are called under the Tani dialect. Mishmi language is popular in the eastern part of the state. Digaru, Idu and Miju fall under Mishmi and have been recognized as endangered languages. Endangered languages. Matlab, ye bahut kam log bol rahe hain aajkal. Pehle bahut zyada log bolte the, abhi bahut kam log bol rahe hain. In the western and northern districts, Bodic language is commonly spoken, which is subdivided into Dakpa and Changla. There are mainly three cultural groups in Arunachal. The first group is made of Monpas and Sherdukpens of Tawang and West Kameng districts. They are followers of Lamaistic tradition of Mahayana Buddhism. So Mahayana bhi hai, theek hai.
cuisine. Arunachal Pradesh is situated at the farthermost northeastern border of India. ओके, यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं. ओके, और यहाँ पे लोकल क्यूजीन बहुत अच्छा फॉलो होता है. राइस एंड मीट आर द स्टेपल फूड ऑफ अरुणाचल प्रदेश. लेट्यूस इज क्वाइट पॉपुलर. लेट्यूस लोकल्स एंड इज क्विक यूजिंग ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर एंड जिंजर, बॉइल्ड राइस केक्स. थुक्पा एंड मोमोज आर ट्रेडिशनल डिशेज देवर्ड बाई पीपल. मोमोज आपने सुना होगा, मुंबई में भी काफ़ी मोमोज के कैफेज हैं. थुक्पा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. द फूड इज लेस ऑन स्पाइसेज एंड इज जनरली माइल्ड. Rice beers are prepared by local communities, one of them being Apaung, which is prepared by fermenting rice and millet. It's called rice beer. Due to the high amount of variedness among local communities, the food preparation methods differ slightly from district to district. Research Institute, State Forest Research Institute of Arunachal Pradesh, Information on Textiles and Handicrafts of Arunachal Pradesh. Arunachal Institute of Tribal Studies, Education, Training and Extension to play a positive role in the socio-economic development of Arunachal Pradesh. Sports in Arunachal Pradesh. There are also some shorter rafting trips available in the state. Kameng, Subansiri, Siang and Dibang are one of them. The rapid streams and raging speed of the rivers in Arunachal Pradesh help in rafting. River rafting is an important adventure sport. So, जो लोग वहाँ पे जाते हैं as tourists, they enjoy this sport. Rafting and angling in Arunachal Pradesh, fishing and angling in Arunachal Pradesh, fishing and angling is a very enjoyable sport. It's an eco-friendly sport, fishing and angling, but at the same time very little consuming, very time consuming. Trekking is also a very important sport in Arunachal Pradesh. Okay, so this was all about Arunachal Pradesh. Okay, so जो भी exam point of view से important था हमने वो सारी चीजें discuss कर ली हैं. Okay, and नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और हमारे जो चैनल है ओके उसको आप सब्सक्राइब भी करें तो काफ़ी अच्छा होगा. ओके, ताकि आपको हमारे फ्यूचर वीडियोस और अपडेट्स मिलते रहें. ओके, सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो द बेल आइकन. ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम मेनियक्स. ओके, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. गुड बाय.